अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ैज़ा वसीम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। तो सबसे पहले तो हम अपनी हेडिंग को चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट एरिया आज का हमारा टॉपिक है, इसलिए हम इसको मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, द टेक्स्ट एरिया कर देते हैं। ठीक है, ओके, हेडिंग तो चेंज हो गई है। टेक्स्ट एरिया का मेन पर्पज़ क्या होता है? जब आप कोई भी फॉर्म बना रहे हो, वेबसाइट के ऊपर कुछ भी इस टाइप की चीज़ें ऐड कर रहे हो, जहाँ पर आपको साइन अप फॉर्म हो गया, कोई किसी भी टाइप का फॉर्म हो गया, जॉब फॉर्म हो गया, तो वहाँ पर आप एक टेक्स्ट एरिया भी देखते होंगे। जी बिल्कुल, टेक्स्ट एरिया भी वहाँ पर दिखता है हमें। और कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको दिखा देती हूँ। इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रिमूव नहीं कर रहे, इसी के नीचे हम कोडिंग कर लेते हैं आज वाली, क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा कोडिंग है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक टेक्स्ट एरिया का टैग ऐड किया है। टेक्स्ट एरिया उसका नाम मैं रखना चाहती हूँ मैसेज। अब उसमें कितनी रोज़ आपने देनी है, यहाँ पर मैं 10 रोज़ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10 रोज़ दी हैं और 30 कॉलम्स दिए हैं, आपके हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखना चाहती हूँ या चलें जो था वही रहने देते हैं, द कैट वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। और टेक्स्ट एरिया का टैग यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं किस हिसाब से आता है। ब्राउज़र को करते हैं रिफ्रेश, और अच्छा ये हमारे पास बिल्कुल इसी के साथ आ गया। मैं चाहती हूँ थोड़ा गैप के साथ आए, तो गैप देने के लिए हम क्या करते हैं, याद है ना आपको? जी बिल्कुल, गैप देने के लिए हम बी आर का टैग यूज़ करते हैं। जितने बी आर टैग्स यूज़ करेंगे आप, उतना ज़्यादा गैप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 बी आर टैग्स का यूज़ किया है। अब ब्राउज़र को रिफ्रेश करके अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, जितनी ज़्यादा आपको नीड है ना, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इस टेक्स्ट एरिया को अपने हिसाब से। कैसे बढ़ाएंगे और कम करेंगे? जैसे कि यहाँ पर हमने रोज़ और कॉलम्स की वैल्यूज़ दी है ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कर देते हैं रोज़ की वैल्यू को 40 और कॉलम्स की वैल्यू को हम कर देते हैं 20। लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं सेव, और या हम ऐसा करते हैं कॉलम्स की वैल्यू को कर देते हैं 40 और रोज़ की वैल्यू को कर देते हैं हम 20। क्या रिज़ल्ट पड़ेगा, क्या रिज़ल्ट आएगा देखते हैं। चेंज किस टाइप से होता है हमारा टेक्स्ट एरिया, ये देख सकते हैं आप, टेक्स्ट एरिया हमारा चेंज हो चुका है। इसी तरह से अगर आप कॉलम्स की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, रोज़ की वैल्यूज़ को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, आप इसको चेंज कर करके देखें टेक्स्ट एरिया का यूज़ किस तरह से किया जाता है, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस वॉच करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।